Hi everybody, this is your educator Shubham Pathak and welcome to the channel that teaches you class 10 SST and science. जैसे कि मैंने बताया मेरा नाम है शुभम पाठक और आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इन बायोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. इसलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ साइंस और SST दोनों इस चैनल पे. एंड आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का वन शॉर्ट रिविजन. आई विल ट्राई टू कीप दिस लेक्चर एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम एनसीईआरटी. एनसीईआरटी का एक एक लाइन डिस्कस करने वाले हैं. एनसीईआरटी को स्टिक करेंगे क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू कम इन बोर्ड एग्जाम्स 2023, राइट, 2022 से 2023 वाले बच्चों के लिए. और सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमारा रैशनलाइज्ड सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं करंट सिलेबस के. इसके साथ साथ इसकी जो फ्री PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इज फॉर द चिल्ड्रेन जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं. लेक्चर के लास्ट में मैं दो होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी जिसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बता सकते हैं. आपको उनके आंसर नहीं आते होंगे तो भी कमेंट सेक्शन में आपको उसके आंसर मिल जाएंगे. क्या बोलती पब्लिक, अब इस बात पे कर दे सेशन स्टार्ट. यस, एलील में बहुत प्रॉब्लम होती है, इस लेक्चर के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. मैंने पर्सनली 3 बार इस लेक्चर को रिवाइज किया है खुद से सो दैट एज अ टीचर मेरे दिमाग में ये लेक्चर क्लियर हो, सो दैट आपके दिमाग में ये लेक्चर क्लियर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो. आपने उस चैप्टर में पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, एसेक्सुअल सेक्सुअल. दोनों का बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका. अब ऐसा नहीं है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग नहीं होती है. डीएनए कॉपिंग तो माइटोसिस मियोसिस दोनों में होती है. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस मियोसिस दोनों होती है, एसेक्सुअल में सिर्फ माइटोसिस से काम चल जाता है, लेकिन दोनों में ही डीएनए कॉपिंग तो होनी पड़ेगी. अब डीएनए कॉपिंग जहां जहां होगी वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती है. ये भी आप हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ चुके हो. डीएनए कॉपिंग इज नेवर 100% परफेक्ट. तो एसेक्सुअल मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होते हैं और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी वेरिएशन होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल में कम होते हैं. क्यों? क्योंकि सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, उसी पेरेंट से बननी है प्रोजेनी यानी कि ऑफस्प्रिंग यानी कि बच्चा, राइट. तो वो बच्चा बहुत हद तक सिमिलर दिखता है किसके, एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के. फॉर एग्जांपल गन्ने का अगर आप एक खेत देखते हो, जब आप एक कॉर्न फील्ड देखते हो या शुगर कीन फील्ड देखते हो, तो ये आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिख रहा होता है हर जगह, राइट. तो सारे गन्ने जो है, स्पीसीज के सारे ऑर्गेनिजम्स जो है, बहुत हद तक एक दूसरे की तरह दिखते होते हैं. लेकिन क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मियोसिस इन्वॉल्व होती है, दो पेरेंट्स से आता है आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए कॉपिंग में ज्यादा चांसेस होते हैं वहां पे वेरिएशन प्रोड्यूस करने के. इसलिए जो जो ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो ना जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, फॉर एग्जाम्पल कैट्स, वो कम हद तक अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. एक आधा फीचर उनका पेरेंट की तरह एग्जैक्ट दिखेगा, लेकिन बिल्कुल शक्ल हूबहू पेरेंट की तरह दिखे ऐसा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में नहीं होता. सिर्फ बॉलीवुड मूवीज में होता है, ठीक है, कि डॉटर और सन बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखते हैं. तो बॉलीवुड इज नॉट एक्चुअल वेरिएशन एंड एक्चुअल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यू गेट माई पॉइंट ना? वेरिएशन क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है, इसी वेरिएशन की वजह से आपको इतनी सारी स्पीसीज देखने को मिलती हैं. तो नए स्पीसीज का बनना एक तरीके से वेरिएशन पे ही डिपेंडेंट है, राइट. एवोल्यूशन का बेसिस एक तरीके से वेरिएशन ही है. ये भी समझ आया अपने को? अब मैं बात करती हूँ कि वेरिएशन कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ वेरिएशन. अब ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पहले बता रही हूं. आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि वेरिएशन के दो टाइप्स होते हैं बच्चा. एक होता है सोमैटोजेनिक, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट बस सुन लो. एक होता है ब्लास्टोजेनिक. अब सोमैटोजेनिक होते हैं वो वाले वेरिएशन जिससे सोमैटिक सेल्स, मैंने आपको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ाया था, बॉडी के जितने सेल्स होते हैं एक्सेप्ट फॉर द गमीट्स, एक्सेप्ट फॉर द सेक्स सेल्स, उन्हें सोमैटिक सेल्स बोला जाता है. आईज के सेल्स, किडनी के सेल्स, लंग्स के सेल्स, सब सोमैटिक सेल्स हैं. लेकिन स्पर्म और ओवा क्या होगा? स्पर्म और
हुआ होगा गमीट यानी कि सेक्स सेल्स। तो जो वेरिएशन सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होता है उसे आप बोलते हो सोमैटोजेनिक वेरिएशन। फॉर एग्जांपल आप जिम में गए, आपने बॉडी बना ली, आपके सोमैटिक सेल्स में हो सकता है कि बॉडी बनाने से या जिम जाने से या फिजिकल वर्कआउट करने से कुछ चेंजेस आ जाए, दैट इज सोमैटिक वेरिएशन। लेकिन ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन होता है जो जेनेटिक लेवल पे होता है, क्योंकि वो सेक्स सेल्स के अंदर हो रहा होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके मम्मा के जीन्स बोलते हैं कि बेबी का जो आई कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, तो दैट इज अ ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन इन योर मदर्स जेनेटिक मेकअप विच विल बी पास्ड ऑन टू यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, राइट। तो दो तरीके के वेरिएशंस हो गए। अब ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन हमारे सिलेबस में है, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन इस पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे, क्योंकि ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस की वजह से ऐसे वेरिएशंस आते हैं जो आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो भी ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस आते हैं क्या वो आगे आने वाली स्पीसीज में, आगे आने वाली पॉपुलेशन में आने लगते हैं? पॉपुलेशन उसे बोलती है कि हाँ ये तो बड़ा अच्छा वेरिएशन था, चलो हम अपनी स्पीसीज में ही थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, नेचर का काम है, ऑर्गेनिज्म का काम है दुनिया में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको आसपास दिखते हैं, फ्रॉम सिंगल सेल्ड अमीबा जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, टू अ लिजर्ड, टू अ कैट, टू ह्यूमन बींग्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि उनकी स्पीसीज जो है दुनिया में बरकरार रहे, अर्थ पे उनकी पॉपुलेशन जो है बरकरार रहे, वो एक्सटिंक्ट ना हो। इसी के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं, चाहे सेक्सुअल या एसेक्सुअल, राइट। तो ऐसे वेरिएशन जो एक स्पीसीज की अर्थ पे कॉन्टिन्यूटी को बढ़ावा देते हैं, वो वेरिएशंस जो हैं एनवायरनमेंट सिलेक्ट करता है, और वो वेरिएशंस जो हैं आगे आने वाली पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसे वेरिएशन जो एक स्पीसीज की कंटिन्यूटी में हिंड्रेंस बनते हैं, वो वेरिएशंस आगे आने वाली स्पीसीज में या जेनरेशंस में कम देखने को मिलते हैं। ये बात समझ आई? So all the variations in the species do not have equal chances of survival. The survival of the variations depend upon the nature of variation. वेरिएशन अगर पॉपुलेशन सपोर्ट कर रहा है तो वेरी नाइस, वेरिएशन अगर पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो जो है आगे स्पीसीज के सर्वाइवल को सुनिश्चित नहीं कर रहा है, तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन के आसपास का टेम्परेचर चेंज हो गया, उस टेम्परेचर चेंज की वजह से, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से बैक्टीरिया की पॉपुलेशन में कुछ जेनेटिक लेवल पे चेंजेस हो गए, कोई ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन हो गया, तो ये ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन उस बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को अलाउ कर रहा है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए, तो पॉपुलेशन की कंटिन्यूटी को बढ़ावा दे रहा है, तो ये वेरिएशन अच्छा है, ये वेरिएशन कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो वेरिएशंस आर आल्सो अ बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जब ओवर द इयर्स एक स्पीसीज के अंदर वेरिएशन एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो कभी कभी उस स्पीसीज से नई स्पीसीज भी बन जाती है। जैसे कि आप देखते हो, चाहे घर की बिल्ली हो गई यानी कि कैट हो गई, या फिर टाइगर हो गया, राइट, या फिर लेपर्ड हो गया, या फिर जैगुआर हो गया, ये सारे सेम फैमिली के, कैट फैमिली के एनिमल्स हैं, लेकिन क्या एक बिल्ली बिल्कुल हूबहू टाइगर की तरह दिखती है? नहीं, उसके कुछ फीचर्स टाइगर की तरह दिखते हैं, कुछ फीचर्स नहीं दिखते, राइट। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे नई स्पीसीज बनी है। अब ये वाला जो पार्ट है आपके चैप्टर का एवोल्यूशन वाला, वो काट दिया गया है, तो कैसे वेरिएशन एवोल्यूशन का बेसिस बनता है वो हम नहीं पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन हम कैसे वेरिएशन से अलग अलग चेंजेस आते आने वाली जेनरेशन में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ वेरिएशन आर अ बेसिस ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अब आगे जाने से पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी है समझना, ट्रेट्स किस तरीके के होते हैं, एलील क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, चोट लग गई, और फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे आते हैं और मेंडल के लॉस पे आते हैं। हेरिडिटी से शुरुआत करते हैं। बच्चा अगर आपको अभी तक भी स्कूल में पढ़ने के बाद, ट्यूशन में पढ़ने के बाद भी हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का डिफरेंस समझ नहीं आया ना, आप अकेले नहीं हो, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है। हेरिडिटी एक छोटा प्रोसेस है, इनहेरिटेंस बड़ा प्रोसेस है। हेरिडिटी इनहेरिटेंस का पार्ट है। तो हेरिडिटी का मतलब होता है एक जनरेशन से, पेरेंट जनरेशन से बच्चे की जनरेशन में, यानी कि ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रेट्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स का जो पास ऑन होता है उसे आप बोलते हो हेरिडिटी। आपकी आंखें मम्मा की तरह दिखती है, बाल पापा की तरह दिखते हैं, हाइट बुआ की तरह दिखती है, ऑल ऑफ दिस इज हेरिडिटरी, क्योंकि बुआ भी तो पापा की फैमिली की है ना। सो बेसिकली पेरेंट की जनरेशन से ऑफस्प्रिंग की जनरेशन में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसे हेरिडिटी बोलोगे।
लेकिन इस पूरे बड़े से प्रोसेस को, जो जेनेटिक ट्रेट्स का, एक्सप्रेशन का, ये जो बड़ा सा प्रोसेस है जिसका छोटा सा पार्ट हेरिडिटरी है, उसे आप इनहेरिटेंस बोलोगे। मेरी मानोगे तो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस की डेफिनेशन रट लो, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है इनको डिफ्रेंशिएट करने का। 10th क्लास के लेवल पे ये दोनों चीजें बहुत सिमिलर साउंड करती हैं, तो आई वुड प्रेफर फॉर यू टू क्रैम दीज टू डेफिनेशन अप। ठीक है, चलो हेरिडिटी की बात करते हैं। तो हाँ, मतलब इनहेरिटेंस इतना बड़ा प्रोसेस है कि आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हेरिडिटी के अंदर वेरिएशंस होते हैं, और हेरिडिटी जो है इनहेरिटेंस का बेसिस होता है, इस तरीके से बोल सकते हो। इट्स अ सब पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेट्स। दोनों ही डेफिनेशन में, इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की डेफिनेशन में, हमने पढ़ा एक शब्द जिसका नाम है ट्रेट्स। क्या होते हैं बच्चा ये ट्रेट्स? ये ट्रेट्स होते हैं फीचर्स। अभी बायोलॉजी को छोड़ो, इंग्लिश पे ध्यान दो। इंग्लिश का शब्द है ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी। ये बॉटल जो है व्हाइट है, इस बॉटल के अंदर हाफ पानी भरा हुआ है, आधा पानी नहीं भरा हुआ है। बॉटल की ढक्कन के ऊपर गोल्डन कलर की बाउंड्रीज या बॉर्डर्स बने हुए हैं, ये सब इस बॉटल के क्या है? ट्रेट्स हैं। तो ऑल द थिंग्स दैट डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म, ऑल द फीचर्स दैट डिफाइन एन ऑर्गेनिज्म, फिजिकल फीचर्स, दोज आर नोन एज ट्रेट। मेरी आंखों का रंग, मेरे स्किन का टेक्सचर, मेरा हाइट, मेरे आईज का साइज, ये सब कुछ मेरे ट्रेट्स हैं। अब कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हम अपने जीवन में खुद से खुद को सिखाते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं जिन पे हमारा कोई जोर नहीं होता। द ट्रेट्स दैट वी आर बॉर्न विद, यानी कि हमारे स्किन का कलर है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी आईज छोटी होंगी बड़ी होंगी, हमारी हाइट कैसी होगी, हमारे पास 5 उंगलियां होंगी हमारे हाथ में कि एक छठा थंब भी अटैच्ड होगा। ऑल दीज ट्रेट्स वी आर बॉर्न विद, ये हमें अपनी पेरेंट जनरेशन से मिलते हैं, हमारे जेनेटिक मेकअप की वजह से हमारे अंदर एक्सप्रेस होते हैं। तो इन ट्रेट्स को बोला जाता है विरासत में मिले हुए ट्रेट्स, यानी कि इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब है विरासत में, एक ऊपर वाली जनरेशन आपको दे के गई है, तो इनहेरिटेड ट्रेट, राइट? ये हमारे जेनेटिक मेकअप में होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो सकते हैं भाई, क्योंकि जेनेटिक मेकअप की वजह से ही तो पूरा ये हेरिडिटी का प्रोसेस होता है। तो जब जेनेटिक मेकअप में ही इनहेरिटेड ट्रेट्स की क्वालिटीज हैं, तो वो ऑब्वियसली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास हो सकती है, जैसे कि हाइट, स्किन का कलर, आईज का शेप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑन दी अदर हैंड, द ट्रेट्स दैट वी लर्न आर सेल्फ, हमने स्विमिंग सीख ली भाई, हमने गाना सीख लिया, हमने साइकिल चलाना सीख लिया, हमने पढ़ाई करना सीख लिया, हमने मेंडल के बारे में पढ़ लिया, ऑल ऑफ दीज आर वॉट? एक्वायर्ड ट्रेट्स। सिंगर का बेटा सिंगर बने ऐसा जरूरी नहीं, क्रिकेटर की बेटी क्रिकेटर बने ऐसा जरूरी नहीं, अनलेस एंड अंटिल उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिकेट खेलना या गाना गाना सिखा रहे हैं, राइट? सो दीज आर एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट से आपके दिमाग में चेंजेस होते हैं, लेकिन एक्वायर्ड ट्रेट से आपके डीएनए में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है? आप लर्न करते हो एक स्किल को, पर आपका डीएनए जैसा है वैसा ही रहता है। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एक्वायर्ड ट्रेट्स को पास ऑन नहीं किया जा सकता। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? वेरिएशन पढ़ लिया, हेरिडिटी पढ़ लिया, थोड़ा सा समझा कि कैसे वेरिएशन की वजह से एक नई स्पीसीज बनती है, तो एवोल्यूशन हो जाता है। ये सारी चीजें जो भी आपने पढ़ा है और जो भी आप आगे पढ़ने वाले हो, ये दो डायग्राम पे टिका हुआ है, पहला वाला डायग्राम, दूसरा वाला डायग्राम। अगर ये दो डायग्राम आपको अच्छे से समझ आ गए, ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर है। तो चलो चलते हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में क्या पढ़ के आए हो? सेल पढ़ के आए हो। आपने पढ़ा है कि सेल के अंदर क्या होता है बच्चा? पेन का कलर चेंज करने दो। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमेटिन थ्रेड से बना होता है। क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस होता रहता है, चिपकता रहता है, कंडेंस होता रहता है, होता रहता है, तो वो क्रोमोसोम बन जाता है ना। क्रोमेटिन थ्रेड बहुत लंबा होता है, और वो क्रोमेटिन थ्रेड किससे बना होता है? डीएनए से बना हुआ होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, इंटरवाइंड सा, आपस में ऐसे दो स्ट्रैंड्स ऐसे उलझे हुए होते हैं, उलझे तो नहीं बोलूंगी, इंटरवाइंड होते हैं, आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं, उसे आप डीएनए बोलते हो। अब आपको ये सब याद नहीं रखना, ये सब तो आपको ऑलरेडी आता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए। हमें डीएनए के अंदर जाना है। डीएनए भी बहुत लंबा होता है। डीएनए के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। डीएनए के अलग अलग सेगमेंट को आप बोल सकते हो जीन। क्या बोल सकते हो? जीन। सो द सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। समझ आया? डीएनए का टुकड़ा। क्या काम है इस डीएनए का? डीएनए का क्या काम होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है ना अपने अंदर, एक पेरेंट से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रेट्स जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। एक्चुअली वो सारी इंफॉर्मेशन जीन्स में होती है।
हर एक जीन बॉडी के हर एक प्रोटीन को, मतलब कंसर्न्ड प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है। चलो छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। फेसबुक सबने चलाया है, इंस्टाग्राम सबने चलाया है, टेलीग्राम सबने चलाया है, स्नैपचैट सबने चलाया है। ये अलग-अलग ऐप है। फेसबुक को खोलते हो अलग तरीके से दिखती है, इंस्टाग्राम को खोलते हो अलग तरीके से दिखता है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे की जो कोडिंग है वो अलग है। कोडिंग में कोई भी चेंज करोगे तो ऐप जो है अलग तरीके से दिखने जाएगी, राइट? छोटी क्लासेस में पढ़ के आयो दैट प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, है ना? बॉडी में सारी चीजें एक तरीके से प्रोटीन से बनी हुई हैं। तो हमारी आंखों का रंग, हमारी हाइट, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब कुछ कोई ना कोई अलग अलग तरीके के प्रोटीन एनकोड किए बैठे। ये प्रोटीन को कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक जीन है जो आई का कलर डिसाइड करेगा, तो उससे कौन सा फीचर आएगा अगर वो जीन प्रेजेंट है? मान लो एक जीन है ह्यूमन क्रोमोसोम्स में होता है जो ये डिसाइड करता है कि आंखों का कलर नीला होगा। अगर आपके अंदर वो जीन प्रेजेंट है तो आपकी आंखों का कलर क्या होगा? नीला होगा। अगर आपका वाला जीन कहता है कि आंखों का कलर डार्क ब्राउन होगा तो आपकी आंखों का कलर क्या होगा? डार्क ब्राउन होगा। तो जीन्स प्रोटीन के लिए एनकोड करते हैं। जब वो प्रोटीन बनते हैं उस क्वांटिटी में जिस क्वांटिटी में वो जीन चाहता है, तब आपकी बॉडी में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आता है और उससे आप बोलते हो ट्रेट। तो ट्रेट्स आर आ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। समझ आया? ट्रेट्स आर अ रिजल्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। नाउ मैम, आप तो कह रहे थे कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, तो दो पेरेंट्स से क्या दो जीन्स आते हैं? चलो समझते हैं। अब मैं जो सेंटेंस बोलने वाली हूं इसे रट लो। ये सेंटेंस अलील में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होने देगा। सेंटेंस है, मैं यहां लिख देती हूं, सेंटेंस है That every trait is controlled by a pair of alleles. A pair of alleles. पढ़ो एक बार दोबारा, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूं कि इसका क्या मतलब है। एवरी ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलील्स। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स हैं? दो पेरेंट्स हैं, है ना? मदर भी है, फादर भी है। तो मेरी बॉडी में जो हाइट है, मेरी बच्चे की हाइट कैसी होगी, मतलब एक बच्चे की हाइट कैसे होगी, इस हाइट को आप एक ट्रेट बोल सकते हो। इस ट्रेट का एक अलील जो है मम्मा से आ रहा है और एक अलील जो है पापा से आ रहा है। तो अलील क्या हो गया बच्चा? अलील हो गया वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट और अ वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, क्योंकि जीन ही तो ट्रेट कंट्रोल करते हैं। मान लो अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट छोटी हो सकती है, हाइट बड़ी हो सकती है, हाइट मीडियम हो सकती है, हाइट बहुत छोटी हो सकती है जिसे आप डॉर्फ बोलते हो, हाइट बहुत बड़ी हो सकती है जिसे आप जिजनाइटिज्म बोलते हो, राइट? तो अलग अलग तरीके की हाइट हो सकती है। तो ये जो वेरिएशन है, एक ट्रेट हो गया हाइट, उस हाइट के अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, अलग अलग जीन हो सकते हैं, इसको आप क्या बोलते हो? अलील बोलते हो। तो एक अलील एक ट्रेट का मम्मा से आएगा और उसी सेम ट्रेट का एक अलील जो है पापा से आएगा। अब सवाल ये आता है मैम कि अगर एक अलील मम्मा से आ रहा है और एक अलील पापा से आ रहा है तो कौन सा अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी हाइट लंबी होगी कि छोटी होगी? इसका राज छुपा है बच्चा डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स में, राइट? चलो मेंडल का एग्जाम्पल लेते हैं। मेंडल ने पी प्लांट के कई सारे ट्रेट्स पढ़े। उन्होंने पढ़ा कि सीड का शेप कैसा होता है, उन्होंने एक ट्रेट पढ़ा कि सीड का कलर कैसा होगा, पॉड का शेप कैसा होगा, पॉड का कलर कैसा होगा। ये सारे क्या है बच्चा? ट्रेट्स। मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स। तो ट्रेड, फैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात है, ठीक है? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनके अलग अलग टाइप्स हैं। टॉल भी एक टाइप है, डॉफ भी एक टाइप है। तो टॉल भी क्या हो गया? अलील। डॉफ भी क्या हो गया? अलील। अलील वन, अलील टू। सिमिलरली एक्सियल हो सकता है, टर्मिनल हो सकता है, फ्लावर जो है पर्पल हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो ये अलग अलग वेरिएशन है सेम ट्रेड के, सेम जीन के। तो इनको आप अलील बोल दोगे। तो डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील वो वाली वेरिएशन होती है एक जीन की जो खुद को एक्सप्रेस कर जाती है नो मैटर उसके सामने कौन खड़ा है।
नो मैटर उसके सामने कौन खड़ा है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो वो बोलने पे आते हैं, नो मैटर क्लासरूम में कितने लोग बोल रहे हो, बस उन्हीं की आवाज बुलंद तरीके से सुनाई देती है। तो नो मैटर आपके जेनेटिक मेकअप में मम्मी से अलील का क्या वेरिएशन आया है और पापा से अलील का क्या वेरिएशन आया है, लेकिन उन दोनों में से कोई एक अलील होगा जो अपने आप को, नो मैटर उसके सामने वाला अलील कैसा है, खुद को एक्सप्रेस कर ले जाएगा। ऐसे अलील को जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर अलील प्रेजेंट, वी कॉल देम डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब सुपीरियर, राइट? और ऐसे अलील जो खुद को डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में नहीं कर पाते एक्सप्रेस, उन्हें हम बोलते हैं सप्रेसिव या फिर रिसेसिव, यानी कि रिसेसिव अलील। ठीक है, तो हमें समझ आया। ट्रेट होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें देखने को मिलते हैं। अली जीन्स होते हैं डीएनए के वो पार्ट जो अलग अलग ट्रेट्स को कोड करते हैं, जैसे कि हमारे कान का जो ईयर लोब है वो फ्री हो सकता है या अटैच हो सकता है। कई लोगों का फ्री होता है, कई लोगों का अटैच होता है। तो ये क्या है, एक ट्रेट है कि कान का ईयर लोब कैसा होगा, ये ट्रेट है, इसके लिए एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ लोगों में ये फ्री है, कुछ लोगों में ये अटैच्ड है, तो यानी कि इसी एक ट्रेट के दो वेरिएशन देखने को मिल गए ना, कि या तो फ्री होगा या तो अटैच होगा। इसको आप बोलोगे अलील। एवरी जीन इज कोडेड बाय अ पेयर ऑफ अलील, वन कम्स फ्रॉम द मदर, वन कम्स फ्रॉम द फादर इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ अगर मम्मा से ट्रेट का जो अलील आया है वो पापा के उसी ट्रेट के अलील जैसा ही है, सिमिलर ही है, तो उस सिचुएशन को बोलोगे होमोजाइगस। अगर मम्मा से जो अलील आया है या पापा से जो अलील आया है एक पर्टिकुलर ट्रेट का, वो दूसरे पेरेंट के उस ट्रेट के अलील से डिफरेंट है, तो उसे आप बोलोगे हेटीरोजाइगस सिचुएशन। यानी कि एक ट्रेट के जब एक पेयर ऑफ अलील सेम होते हैं तो उन्हें आप बोलते हो होमोजाइगस। जब एक ट्रेट के पेयर ऑफ अलील्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, तो उसे आप बोलते हो हेटीरोजाइगस। होमोजाइगस को बोलने का एक और तरीका है, होमोजाइगस को बोलने का तरीका है प्योर, और हिटीरोजाइगस को बोलने का तरीका है हाइब्रिड। हाइब्रिड है ना, उसमें दोनों अलग अलग है, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहां देखो बीबी दोनों सेम है, एक एक पेरेंट से आया होगा, एक दूसरा पेरेंट से आया होगा, ये होमोजाइगस सिचुएशन है। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये भी होमोजाइगस सिचुएशन है, एक पेरेंट से स्मॉल बी आया, दोनों एक पेरेंट से स्मॉल बी, दूसरे पेरेंट से स्मॉल बी, होमोजाइगस। लेकिन यहां आप देख रहे हो कि एक पेरेंट से बड़ा बी आया है और एक पेरेंट से छोटा बी आया है, तो दिस इज योर हेटीरोजाइगस सिचुएशन। नाउ ये भी समझ आ गया हमें कि जीन क्या होता है, ये भी समझ आ गया अलील क्या होता है, ये भी समझ आ गया कि जीन जब खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमारी बॉडी में दिखते हैं ट्रेट्स। लेकिन क्या वो ट्रेट्स हमेशा एक्सप्रेस होते हैं बच्चा? द आंसर टू दैट इज नो। कभी कभी हमारे ट्रेट्स, हमारा जेनेटिक मेकअप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो जो आपको नेकेड आई से जो फीचर्स दिखते हैं ना अपनी बॉडी में, आंखों का रंग, बालों का कलर, स्किन का टेक्सचर, जो एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप का एक्सप्रेशन होता है, उसे आप बोलते हो फिनोटाइप। याद रख लो, रट्टा मार लो बेशक, पी फॉर फिनोटाइप, पी फॉर फिजिकल अपीयरेंस। तो जो फिजिकल अपीयरेंस में दिख गया वो तो है फिनोटाइप। जो फिजिकल एक्सपीरियंस कह रही हूँ, फिजिकल अपीयरेंस में जो ट्रेट नहीं दिखा वो है फिनोटाइप, सॉरी जीनोटाइप। जीनोटाइप सिर्फ जेनेटिक मेकअप तक रह जाते हैं, वो जेनेटिक मेकअप के बाहर हमें नेकेड आई से एज अ ट्रेट नहीं दिखते हैं। लेकिन फिनोटाइप हमें दिखते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, जैसे कि हमारे आईज का कलर पता चलेगा ना भाई, आईज का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, हाइट क्या है, 6 उंगलियां है कि 5 उंगलियां हैं, दीज आर ऑल फिनोटाइप्स। बट अगर वो नहीं दिख रहा है नेकेड आई से तो इट इज जीनोटाइप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इतना समझ आया सबको, ये सारी चीजें क्लियर है, मेंडल पे चले, एनी डाउट? तनुज कह रहा है क्यों पका रहे हो, सब लोग चैट में मैम पढ़ा रही है, पढ़ लो, तनुज की बात मानो, पढ़ लो जरा। हमें नोट करना है क्या? नहीं बच्चा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको दे दूंगी, क्या कहते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं, ताकि ये वीडियो आप जब एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने के लिए देखो तो आपको ये वीडियो बहुत लेंदी ना लगे। मेंडल पे आते हैं।
जॉर्जर जॉन एंड मेंडल, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें हम जेनेटिक्स का फादर बोलते हैं। इनकी वजह से पूरी एक बायोलॉजी की स्ट्रीम बन गई है। बच्चे एमएससी कर रहे हैं जेनेटिक्स में, पीएचडी कर रहे हैं जेनेटिक्स में, जेनेटिक्स के अंदर भी आजकल सब ब्रांचेस हो गई हैं, राइट। और ये इंसान इतना सिंपल था, ही वॉज अ मंक, बेसिकली एक साधु बोल सकते हो, ही वॉज अ मंक, मोनेस्ट्री में काम करते थे और साइंस और मैथमेटिक्स में इनका खासा इंटरेस्ट था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में पढ़ने गए, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में टीचर का इन्होंने एक एग्जाम दिया, उस टीचर के एग्जाम में ये फेल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी स्पिरिट्स को डल होने नहीं दिया, उन्होंने अपने पैशन को जगाया। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये दोनों घमासान सब्जेक्ट की नॉलेज को इस्तेमाल करके इन्होंने साइंस में दिए लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिन्हें लॉज ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडेलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है, सब एक ही बात है। तीन लॉज है बच्चा, लॉ नंबर वन, लॉ नंबर टू, लॉ नंबर थ्री, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम लॉज पे आए, लॉज के क्रॉसेस पढ़ें, कुछ चीजें आपकी जानना जरूरी है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, बता देती हूँ। क्वेश्चन इस पे आता है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो सिर्फ मटर पे क्यों किया, क्वेश्चन आता है कि कौन से दो क्रॉसेस मेंडल ने किए और उन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन आता है मेंडल की लाइफ हिस्ट्री पे, बहुत छोटी सी लाइफ हिस्ट्री एनसीईआरटी में दे रखी है, और क्वेश्चन आता है कि F1 जनरेशन और F2 जनरेशन क्या होता है। तो ये चार चीजें समझते हैं फिर लॉस पढ़ते हैं। पहला सवाल, मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, प्लांट का नाम है पी प्लांट, प्लांट का साइंटिफिक नाम है पिसम सैटिवम, ठीक है। अगर कर्सिव लिख रहे हो तो नीचे अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, कर्सिव नहीं लिख रहे हो तो अंडरलाइन करने की जरूरत है। सैटिवम का एस जो है हमेशा स्मॉल होगा, नॉमनक्लेचर ये कहता है बायोलॉजी का कि इस तरीके से एक स्पीसीज का नाम लिखा जाता है पिसम सैटिवम, ठीक है। तो पिसम सैटिवम को मेंडल ने इसलिए चूज किया क्योंकि उसके जो फीचर्स थे वो मेंडल को पसंद आए। जब भी आप एक स्टडी कंडक्ट करते हो ना बायोलॉजी में, तो आप एक ऐसी स्पीसीज को चूज करते हो जो रिजल्ट आपको जल्दी देके, ताकि आपकी वो जो स्टडीज है उसका जो स्पैन है, जो स्टडीज का टाइम है, वो थोड़ा सा छोटा हो जाए, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए चूज करते हो। तो मेंडल को पी प्लांट ने यही सारे फीचर प्रदान किए। पहली बात तो गार्डन में पी प्लांट को ग्रो करना बहुत ही इजी था, पी प्लांट में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। मेंडल के जो बैकयार्ड में जो गार्डन था उसकी जो मिट्टी थी वो पी प्लांट के लिए काफी थी। दूसरा पॉइंट, पी प्लांट जो होते हैं उनके फूल जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में पढ़ के आए हो, प्लांट्स जो हैं वेजिटेटिव तरीके से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी आपने पढ़ा है कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी हो सकते हैं। बायसेक्सुअल फ्लावर का क्या फायदा है, बायसेक्सुअल फ्लावर का ये फायदा है कि बायसेक्सुअल फ्लावर्स को आप क्रॉस पॉलिनेट भी करा सकते हो, एक पौधे के फ्लावर को दूसरे पौधे के फ्लावर से पॉलिनेट करा सकते हो, यानी कि ब्रीड करा सकते हो, या फिर आप सेम ही फूल के अंदर ब्रीडिंग करा सकते हो, है ना, आप सेम सेल्फ पॉलिनेशन भी दिखा सकते हो। तो इसीलिए मेंडल ने पी को चुना, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन दोनों ही पॉसिबल था बिकॉज द फ्लावर्स वर बायसेक्सुअल। देन मेंडल ने इसलिए चुना क्योंकि पी प्लांट जो है बहुत जल्दी एक नई प्रोजेनी दे देते हैं, इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है नया बेबी प्लांट आने का और बेबी प्लांट का ग्रो करने का, वो बहुत ही थोड़ा होता है, तो मेंडल का जो स्टडी है वो कम टाइम में कंप्लीट हो सकता था। पी प्लांट जो होते हैं बहुत डिसीज रेसिस्टेंस होते हैं, कई सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल होते हैं जिसमें हजार तरीके की बीमारियां बड़ी जल्दी से लग जाती हैं। पी प्लांट ऑन दी अदर हैंड थोड़े इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग होती है, इन पे कम बीमारियां लगती होती हैं, तो मेंडल की स्टडी खराब होने के कम चांसेस थे, इस रीजन की वजह से पी प्लांट को चूज किया गया। अब मेंडल ने दो तरीके के क्रॉस कराए। क्रॉस क्या होता है उसको समझने के लिए हम अपने क्लासरूम का एग्जांपल देते हैं। क्लासरूम के स्टूडेंट्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उन्हें ड्रॉइंग पसंद है, कुछ है फुटबॉल पसंद है, कुछ है गॉसिप करना पसंद है, कुछ बच्चे हैं कि सोना पसंद है, अलग अलग ट्रेड्स हैं बच्चों के। अगर मैं क्लास के बच्चों को सेग्रीगेट करूं या चूज करूं ऑन द बेसिस ऑफ वन ट्रेड, मैं मान लो चूज करूं किसे बायोलॉजी पसंद है तो मैंने सिर्फ एक ट्रेड स्टडी किया, अगर मैं क्लास के बच्चों को स्टडी करूं किसे ड्रॉइंग पसंद है और बायोलॉजी पसंद है तो मैंने दो ट्रेड्स को कंसिडर किया। सिमिलरली मेंडल ने जब अपनी स्टडीज में सिर्फ एक ट्रेड को कंसिडर किया तो उसे बोला जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला जाता है? मोनो हाइब्रिड, मोनो का मतलब है वन, राइट। जब मेंडल ने अपनी स्टडीज में दो ट्रेड्स को कंसिडर किया एक साथ, साइमेंटेनियसली दो ट्रेड्स को स्टडी किया, तो उसे बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब है टू, मोनो का मतलब है वन। सो क्रॉसेस दैट स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ सिंगल जीन और अ सिंगल ट्रेड आर नोन एज मोनो हाइब्रिड। क्रॉसेस दैट स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ
अब ये भी बात समझ आ गई कि दो तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए उसने, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। सवाल ये आता है कि मैम दो तरीके के क्रॉसेस क्यों किए उसने, दो तरीके के मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्यों अलग अलग किया? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि तीन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, कुछ लॉज थे जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस से प्रूव हो गए, लेकिन कुछ जो उसने लॉज दिए तीनों में से उनके लिए उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत पड़ी। तो ऑल बिकॉज ऑफ द लॉज ही फॉर्मुलेटेड ही हैड टू डू दीज टू टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। नाउ व्हाट इज F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन? देखो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझो वरना एक नंबर कट जाएगा पेपर में। पहले आप प्योर ब्रीड प्लांट लेते हो, मैंने बोला था ना प्योर ब्रीड। प्योर ब्रीड सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए होमोजाइगस। प्योर ब्रीड मतलब होमोजाइगस। तो प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट का मतलब है कि पेरेंट, दोनों पेरेंट से जो हाइट का जो एलील आ रहा है वो सेम है, वो शॉर्टनेस का है ना। तो प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट का मतलब TT, स्मॉल टी से मान लो डिनोट कर दिया। प्योर ब्रीड टॉल प्लांट का मतलब बड़ा टी, बड़ा टी, एक पेरेंट से एक बड़ा टी आया, दूसरे पेरेंट से दूसरा बड़ा टी आया, राइट? सो पहले उसने क्या किया कि दो प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज ली पी प्लांट की, एक शॉर्ट प्योर ब्रीडिंग यानी होमोजाइगस लिया, एक लिया प्योर ब्रीड होमोजाइगस टॉल प्लांट, और दोनों को ब्रीड कराया। तो ये दो अलग अलग पेड़ है ना, एक शॉर्ट है एक टॉल है, दोनों प्योर है लेकिन एक शॉर्ट एक टॉल है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। आपने दो अलग अलग प्लांट्स के फूलों को ब्रीड कराया है ना। इस क्रॉस पॉलिनेशन से जो उसके पास आई जनरेशन उसको बोला जाता है F1 जनरेशन। क्या बोला जाता है? F1 जनरेशन। नाउ F1 जनरेशन में जो उसके पास हाइब्रिड मॉडल आया, एक टॉल प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट को ब्रीड करा के जो उसके पास F1 जनरेशन आई, जब उस F1 जनरेशन के पौधों को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेट कराया, सेल्फ पॉलिनेट, तो जो जनरेशन आई उसे बोला जाता है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन को आप बोलते हो फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F2 जनरेशन को आप बोलते हो सेकेंड फिलियल जनरेशन। ये दोनों क्लियर हो गया ना कि फर्स्ट फिलियल क्या होता है, सेकेंड फिलियल क्या होता है। नाउ लेट्स कम टू द मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। एक एक करके पढ़ेंगे, एक लॉ फिर उसका हम डायग्राम देखेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ सिंपल है, अभी तक आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा। इसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेशन। लॉ ऑफ डोमिनेशन ये कहता है कि हमारी बॉडी में जो भी ट्रेट्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो भी ट्रेट्स हैं वो दो अलील से डिफाइन होते हैं। एक अलील एक पेरेंट से आता है, एक अलील दूसरे पेरेंट से आता है। अब ये जो पेयर ऑफ अलील्स हैं इनमें से एक अलील होगा जो डोमिनेंट होगा और एक है जो रिसेसिव होगा। ऐसा अलील जो खुद को इरिस्पेक्टिव उसके सामने कौन सा अलील प्रेजेंट है खुद को वो एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि टॉनलेस। मान लो टॉनलेस एक डोमिनेंट है, तो अगर पापा से टॉनलेस का ट्रेट आया है और मम्मा से डॉफनेस का ट्रेट आया है, तो टॉनलेस को फर्क नहीं पड़ता आगे डॉफनेस है, मीडियम हाइट है कि टॉनलेस है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा ही करेगा। दैट इज योर डोमिनेंट अलील। कैसे प्रूव हुआ? मोनोहाइब्रिड क्रॉस से प्रूव हुआ। ये देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक लिया उसने प्योर टी प्लांट के लिए, चाय ही चलती रहती है मेरे दिमाग, टॉल प्लांट यानी कि बड़ा टी बड़ा टी, एक उसने लिया प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट, इसको उसने कराया क्या क्रॉस ब्रीड है ना, क्रॉस ब्रीड कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो जो वैरायटी मिली उस सब में क्या था? गमीट फॉर्मेशन। देखो गमीट फॉर्मेशन क्या होगी, इसके गमीट बनेंगे बड़ा टी, इसके गमीट बनेंगे छोटा टी छोटा टी, है ना, यही होगी ना गमीट फॉर्मेशन। गमीट में तो आधे आधे हो जाते हैं ना क्रोमोसोम का नंबर। अब यहाँ पे बड़ा टी यहाँ पे छोटा टी, पुनेट स्क्वायर बना दिया। पुनेट स्क्वायर होता है यही स्क्वायर जो एक पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। इससे मेंडल की जो स्टडीज है वो इजी हो जाती है थोड़ी समझना, ठीक है। बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब कैसे पता चला मैम कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट था और कौन सा ट्रेट रिसेसिव था? अरे आंखों से पता चला, जब ये F1 जनरेशन आई तो जब उसके पौधे देखे तो पता चला ये सारे पौधे तो लंबे हैं, हमने तो पेरेंट में एक छोटा प्लांट भी लिया था लेकिन बच्चे तो सारे टॉल पैदा हुए हैं। तो कैसे पता चला हमें कि टॉलनेस डोमिनेंट है? बिकॉज ऑफ द फीनोटाइप। सारा का सारा फीनोटाइप बता रहा था कि टॉनलेस इज अ डोमिनेंट एलील, डॉफनेस अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। जब हम जीनोटाइप देख रहे हैं F1 जनरेशन का, तो जीनोटाइप में शॉर्टनेस का अलील प्रेजेंट है, डॉफनेस का अलील प्रेजेंट है, स्मॉल टी प्रेजेंट है, लेकिन वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेशन, ठीक है जी। चलो अब चलेंगे हम सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ बोलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मियोसिस होती है ना। मियोसिस में क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है गमीट्स का। सेग्रीगेशन ऑफ सेग्रीगेशन हैपेंस
ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है ना? क्रोमोसोम का नंबर आधा हो रहा है तो अलग अलग एलील्स भी तो जा रहे हैं भाई। आप एक पेरेंट थे, आपके पेरेंट सेल्स में हर ट्रेट के लिए दो अलील्स प्रेजेंट थे। अब जब गैमीट फॉर्मेशन हुई तो वो अलील्स भी जो है गैमीट फॉर्मेशन के साथ सेपरेट हो गए और ये रैंडमली सेग्रीगेट होते हैं। नेचर में स्टेबिलिटी के साथ थोड़ी सी रैंडमनेस भी होती है और इस रैंडमनेस की वजह से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जब गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है तो अलील्स मिक्स नहीं होते हैं, अलील्स एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म में गमीट बनते हैं तो एक गमीट में एक जीन का कोई एक अलील प्रेजेंट होता है और दूसरे गमीट में उस जीन का कोई और अलील प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज कम्प्लीटली रैंडम। अब कौन से अलील के साथ कौन से दूसरे पेरेंट के अलील की मिक्सिंग होगी और जायगॉट बनेगा, किसी को नहीं पता। तो दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर से बता रही हूं, जब गमीट फॉर्मेशन होती है तो अलील मिक्स नहीं होते हैं और जब गमीट फॉर्मेशन होती है तो हर गमीट में एक जीन का एक ही अलील आता है जो कि रैंडमली सिलेक्ट होता है। अब इसको कैसे प्रूफ करें हम? फिर से हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस शुरू से शुरू करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बड़ा टी छोटा टी छोटा टी, प्योर ब्रीड टॉल प्लांट मिक्स्ड विद प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट। क्या मिला हमें? F1 जनरेशन मिली, पूरी की पूरी टॉल, लेकिन उसका जीनोटाइप दिख रहा था कुछ इस तरीके से। दिस इज योर F1 जनरेशन। अभी इसको चलो हम क्या करते हैं, सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। इसके गमीट कैसे बनेंगे बच्चा? गमीट नंबर 1, गमीट नंबर 2, राइट? इसको हमने इसी में सेल्फ पॉलिनेट किया दूसरे पौधे के साथ। क्या बना भाई? पुनेट स्क्वायर बनाओ ना, खुद भी बनाने की कोशिश क्या करो। ठीक है जी, फिनोटाइप देखते हैं। ये पौधा कैसे दिखेगा? ये पौधा दिखेगा टॉल भाई, ये पौधा दिखेगा टॉल क्योंकि टॉलनेस वाला लील डोमिनेंट है। ये पौधा कैसे दिखेगा? टॉल दिखेगा। ये पौधा कैसे दिखेगा? टॉल दिखेगा। लेकिन ये पौधा कैसे दिखेगा? ये पौधा दिखेगा शॉर्ट। तो ये शॉर्टनेस अपने आप को F2 जेनरेशन में एक्सप्रेस कैसे कर पाई? क्योंकि जब गमीट फॉर्मेशन हुई तो अलील जो है सेपरेट हुए विदाउट गेटिंग मिक्स्ड, यानी कि F1 जेनरेशन में कोई मिक्सिंग नहीं हुई। हाँ, हमें आंखों से दिखा कि पौधा लंबा है, लेकिन गमीट्स में अलील जो है सेग्रीगेटेडली प्रेजेंट थे जिन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया F2 जेनरेशन में एक शॉर्ट प्लांट देके। बच्चा एक और क्वेश्चन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बहुत पूछा जाता है वो है इनका क्या कहते हैं, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आप आंखों से ही देख लो, तीन टॉल प्लांट दिख रहे हैं और एक छोटा प्लांट दिख रहा है, तो फिनोटिपिक रेशियो होगा। जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1, है ना? एक शॉर्ट प्लांट, दो हाइब्रिड टॉल प्लांट और एक प्योर टॉल प्लांट, है ना? तो 1:2:2। अरे कुछ गलत हुआ करो, लाइव क्लास में बता दिया करो यार, अभी तो मैं पढ़ा के निकल जाती हूँ, वो छोटी सी गलती में देखती भी नहीं। आगे चलो, थर्ड लॉ पे चलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत भयानक लॉ है, बहुत कंफ्यूज करता है, इतना इजी है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन पढ़ोगे बहुत इजी लगेगा। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जब ट्रेट सेग्रीगेट हो रहे होते हैं, यानी कि ट्रेट्स के जब अलील गमीट फॉर्मेशन में सेग्रीगेट हो रहे होते हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता। मान लो हाइट के अलील सेग्रीगेट हो रहे हैं, उनका आंखों के कलर के अलील्स कैसे सेग्रीगेट हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। तो गमीट फॉर्मेशन में हर अलील का, हर ट्रेट के अलील्स का जो सेग्रीगेशन है वो रैंडम है और उस रैंडमनेस में कोई भी आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो, हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वहां पे कि अगर किसी कि आंखें बुरी हैं तो उसके बाल जो है काले ही होंगे। यू कांट गारंटी इट बिकॉज एक ट्रेट के एलील्स का सेग्रीगेशन इज इंडिपेंडेंट टू दूसरे ट्रेट के एलील्स का सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। इन अदर वर्ड्स, ड्यूरिंग गमीट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट इंडिपेंडेंटली, दिस गिव ईच पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स अ फेयर चांस ऑफ एक्सप्रेशन। वी कैन से दैट एलील ऑफ अ गमीट which is received for one gene does not influence
वॉट इज रिसीव्ड फॉर अनदर जिन. लाइक आई सेड, कोई लंबा है तो वो हमेशा उसके बाल काले हों, ऐसा आप गारंटी नहीं कर सकते. अब थर्ड लॉ के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस से काम नहीं चल रहा था थर्ड लॉ के लिए, क्योंकि आपको दो ट्रेड्स दिखाने हैं ना, आपको प्रूव ये करना है कि दो ट्रेड्स के एलील्स का जो असॉर्टमेंट है वो इंडिपेंडेंट होता है. तो इसके लिए आपको दो ट्रेड्स तो लेने पड़ेंगे ना, मिनिमम दो ट्रेड्स. इसीलिए थर्ड लॉ के लिए मेंडल ने किया डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बहुत सिंपल है, एक दो बार अपने हाथ से बना के देखोगे सब हो जाएगा. चलो मैं बनाती हूँ. हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं शेप ऑफ द सीड है ना, और एक हम ले रहे हैं कलर ऑफ द सीड. अब येलो डोमिनेंट क्या है यहां पे, मैं लिख देती हूँ पहले ही. डोमिनेंट ट्रेट है येलो कलर, और डोमिनेंट है येलो कलर के साथ रिंकल्ड सीड, नहीं राउंड सीड. मैम कैसे पता येलो कलर डोमिनेंट है और राउंड सीड डोमिनेंट है? भाई मेंडल बता के गया है, फिनोटाइप देख देख के हमें पता चला है प्रोजेनिस का, ऑफस्प्रिंग का. चलो तो हमने लिया यहाँ पे प्योर ब्रीड पेरेंट, और यहाँ पे लिया प्योर ब्रीड एक और पेरेंट. ये क्या है बच्चा? ये है येलो और राउंड, ये है ग्रीन और रिंकल्ड. प्योर है दोनों, है ना, होमोजाइगस सिचुएशन में है ना ट्रेट्स. अब इनके जो बच्चे बनेंगे उसमें क्या होगी, मिक्सिंग होगी, यही बनेगा. अब जिनको ये भी नहीं समझ आ रहा है मैं बता दूं कि ये यहां तक हम कैसे पहुंचे, यहां तक हम ऐसे पहुंचे. इसके गमीट्स कैसे बनेंगे? इसके गमीट्स बनेंगे ये, यही तो गमीट बन सकते हैं इसके, और तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है. इसके गमीट कैसे बन सकते हैं? ये बन सकते हैं, 50% ऐसे बनेंगे, बाकी दूसरे पर्सन भी तो 50% ऐसे ही बनेंगे. अब इनको जब आप क्रॉस कराओगे तो क्या बनेगा, राइट? तो F1 जनरेशन कैसे दिखेगी बच्चा? F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या होगा? ये फिनोटाइप होगा येलो और राउंड, लेकिन जीनोटाइप कैसा दिखेगा ये? अब ये दिख तो इसी की तरह रहे हैं येलो और राउंड के, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या सेम है? नहीं, क्योंकि ये हाइब्रिड है, ये क्रॉस पॉलिनेशन से बने. अब चलो F1 जनरेशन के प्लांट्स को हम क्या करवाने वाले हैं, F2 जनरेशन के लिए सेल्फ पॉलिनेट करवाने वाले हैं. तो मैं ये सारा रब कर रही हूं, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें मैं अटैच कर दूंगी डायग्राम, डोंट वरी. क्या थी F1 जनरेशन? बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर. चलो अब इसके गमीट्स कैसे बनेंगे? इसके गमीट्स बन सकते हैं, एक तो ये पॉसिबल हो सकता है गमीट, एक ये पॉसिबल हो सकता है, एक ये पॉसिबल हो सकता है, एक गमीट ये पॉसिबल हो सकता है. ये चारों आउटकम्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, राइट? तो वही पुन्नेट स्क्वायर जब हमारा बनेगा तो ऐसा बनेगा. बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई छोटा आर. फिर से यहाँ पे बड़ा वाई छोटा आर, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर. चल मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ. फिर ये ठीक है. अब देखो अब क्रॉस होगा क्या बनेगा, ये है पेरेंट वन, ये है पेरेंट टू, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है. यहां पे आएगा बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा आर. तो ये प्लांट कैसा होगा? ये होगा राउंड एंड येलो, येलो एंड राउंड. दूसरा करते हैं, बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर. ये भी क्या होगा? राउंड एंड येलो. क्यों होगा राउंड एंड येलो? क्योंकि राउंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज्यादा डोमिनेंट है ना. अब इसमें क्या होगा? बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर बड़ा आर. ये भी क्या होगा? राउंड और येलो. यहां पे क्या होगा? बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर. ये भी क्या होगा? राउंड एंड येलो. तो ये चारों क्या थे? राउंड एंड येलो. चार हो गए राउंड एंड येलो. चलो यहां पे देखते हैं क्या आएगा. बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर. ये भी क्या होगा? राउंड एंड येलो. यहां पे क्या आएगा? बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर. ये क्या होगा? होगा तो येलो,
लेकिन साथ में होगा ग्रीन, क्या होगा साथ में ग्रीन, देन उसका येलो होगा और साथ में होगा ग्रीन, कह रही हूँ राउंड 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 होगा, राउंड नहीं होगा रिंकल होगा, व्हाट एम आई सेइंग, रिंकल होगा, येलो एंड रिंकल, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, फिर यहाँ पे आएगा बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आ छोटा आर छोटा आर। चलो मैं पहले लिख ही देती हूँ, अब जब ये आप देखोगे सारा कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ आएगा सिर्फ एक ही ऐसी प्रोजेनी है जो ग्रीन एंड रिंकल्ड है, और 9 ऐसी प्रोजेनीज हैं जो येलो और राउंड हैं, और 3 ऐसी प्रोजेनी है जो ग्रीन और राउंड हैं, और 3 ऐसी प्रोजेनी है जो येलो और रिंकल्ड है। तो F2 जेनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो ही पूछा जाता है, जीनोटिपिक रेशियो कभी आता नहीं है सिलेबस में। F2 जेनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो है 9:2:2:2:2:9:3:3:1, ये है फिनोटिपिक रेशियो, और ये प्रूव करता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हमने मेंडल के तीनों लॉस पढ़े, मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा। डाई हाइब्रिड क्रॉस पे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने ग्रीन प्लांट्स हैं, कितने ग्रीन और राउंड प्लांट्स हैं, तो उस तरीके से कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। एक दो केस बेस्ड क्वेश्चन लगाओगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डू ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस। ये पूरी कहानी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर होती है सारी प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि डीएनए के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स को बोला जाता है जीन। हर एक जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए एनकोड किए बैठा होता है, यानी कि हाइट का जीन, यानी कि आई कलर का जीन, यानी कि आपकी टंग के कम्प्लेक्शन का जीन, स्किन के टेक्सचर का जीन, ये सारे के सारे क्या है, ट्रेट्स हैं। और ये ट्रेट्स किसी ना किसी प्रोटीन से कोडेड है, और ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन डीएनए के एक एक सेगमेंट एक एक जीन पे। अब क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास हर एक ट्रेट के दो एलील्स होते हैं, दो पेयर ऑफ एलील्स होते हैं। इफ द जीन इज एफिशिएंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड, द प्लांट विल ग्रो टॉल। इफ द जीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन गेट्स ऑल्टर्ड एंड लेस ऑफ इट इज सिक्रीटेड, देन द प्लांट विल रिमेन शॉर्ट। एज सिंपल एज दैट। आपकी बॉडी में मान लो आई कलर का जो जीन है, अगर वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो जो वो कह रहा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होगा, लेकिन अगर उसके फंक्शन में थोड़ी सी भी गड़बड़ आई तो ट्रेट के एक्सप्रेशन में भी थोड़ी सी गड़बड़ आएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ था। वेयर डिड दैट स्लाइड गो? हाँ ये देखो, मान लो ये एक जीन है, ये एक्चुअली में जीन है, टॉप 10 जीन्स जो आते हैं ना, जो आज तक साइंटिस्ट ने स्टडी किए उन टॉप 10 जीन्स में आता है ये EGFR, ये जीन का नाम है। ये जो जीन है ये एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर बनाता है, एपिडर्मल ग्रोथ रिसेप्टर। जस्ट गिविंग एग्जांपल, इस एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का काम होता है कि हर सेल की सेल मेम्ब्रेन को आउटसाइड प्रोटीन से बाइंड करवाए, ठीक है। तो अगर EGFR जीन अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो जो सेल मेम्ब्रेन होगी सेल्स की वो आउटसाइड प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगी। तो बॉडी के हर छोटे से छोटे फंक्शन के लिए एक एक जीन हमारे डीएनए में एनकोडेड है, एंड दैट इज हाउ द ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। ये ट्रेट तो चलो आप आंखों से देख नहीं पा रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से अपने आप को बाइंड करा रही है कि नहीं, बट बाकी ट्रेट्स तो आप अपनी आंखों से देख पाते हो, जैसे कि स्किन टेक्सचर एंड हेयर कलर। नाउ वेयर डिड आई हैव टू गो, वेट सेकंड। Now let's come to the part which is the most interesting part, which is sex determination. बच्चा देखो, sex determination सारे organisms में baby का sex जो है sex cells determine नहीं करते हैं। कई सारे organisms होते हैं, NCERT में लिखा है ये, कई सारे reptiles होते हैं जिसमें environmental conditions decide करती है कि baby का sex क्या होगा, बाहर कितनी गर्मी है, बाहर का pH क्या है, बाहर कितनी सर्दी है, इस सब पे उन baby का sex decided होता है, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेक्स डिटरमाइन ही नहीं होता है, जैसे कि स्नेल। स्नेल में जो भी प्रोजेनी पैदा होगी वो अपना सेक्स बाद में जाके चेंज भी कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाद में सेक्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें सेक्स डिटरमाइन होता है सेक्स सेल्स की बदौलत। तो ह्यूमन बींग्स में कितने क्रोमोजोम होते हैं?
23 पैर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पैर हम बोल रहे हैं क्योंकि पैर होते हैं ना, एक मम्मा से आता है हर क्रोमोसोम का पैर, और हर एक क्रोमोसोम और एक पापा से आता है ना, तो 23 पैर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें। बाकी सारे तो आपके सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक क्रोमोसोम्स बोल सकते हो। एक होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, लड़कियों में होता है वो होमोजाइगस सिचुएशन में, लड़कों में होता है वो हेटेरोजाइगस सिचुएशन में। तो हमेशा याद रखना कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो दो तरीके के होते हैं, एक हेटेरोजाइगस एक होमोजाइगस। होमोजाइगस किस में है? लड़कियों में, यानी कि एक्स एक्स। हेटेरोजाइगस किस में है? लड़कों में, यानी कि एक्स वाई। वो जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, उसका एक छोटा सा आर्म मिसिंग होता है, इसलिए उसे वाई शेप का क्रोमोसोम बोला जाता है। वो एग्जैक्टली ऐसा दिखता है बच्चा, एग्जैक्टली ऐसा। देखो एक जो उसका आर्म है वो छोटा होता है, एक्स क्रोमोसोम में वो देखो सेम होता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। अब सेक्स ऑफ द चाइल्ड फर्टिलाइजेशन के टाइम पे डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होके पापा से जो जिस स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है एग को, उस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम था या उस स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम था। और सेक्स डिटरमिनेशन कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है? ह्यूमन बींग्स में मैन पे डिपेंड कर रहा है, आदमी पे डिपेंड कर रहा है कि उससे कौन सा क्रोमोसोम आया। क्योंकि भाई देखो, लड़कियों में यानी कि औरतों में तो सेक्स क्रोमोसोम दोनों ही एक्स एक्स है ना, तो अगर उसके गमीट्स बनेंगे तो 100% गमीट्स में एक्स क्रोमोसोम ही होगा। लेकिन लड़कों से 50% गमीट्स बनेंगे जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और 50% गमीट्स बनेंगे जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ना। सो जब लड़कों से वाई क्रोमोसोम आता है, यानी कि फादर से वाई क्रोमोसोम आता है, तो सिचुएशन बनती है एक्स वाई। जब लड़कों से एक्स क्रोमोसोम आता है तो सिचुएशन बनती है एक्स एक्स। यानी कि बेबी का सेक्स 50% लड़की होने के चांसेस होते हैं और 50% लड़के होने के चांसेस होते हैं। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, ऐसी कोई चूरन नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बेबी का सेक्स डिटरमाइन करवा सके, एक्सेप्ट फॉर व्हाट क्रोमोसोम द स्पर्म इज कैरिंग। सो 50% फीमेल होने के चांस एंड 50% मेल होने के चांस। दिस इज हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। नाउ द चैप्टर इज ओवर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो इन द लाइव चैट और इन द कॉमेंट बॉक्स। मैं आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। एक होमवर्क क्वेश्चन है कि अगर एक प्योर ब्रीड टी प्लांट को, प्योर ब्रीड टॉल प्लांट को प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट से आप क्रॉस कराओगे तो बच्चे जो है सारे के सारे लंबे यानी कि टॉल प्रेजेंट होंगे, ऐसा क्यों? तो आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक जायगोट के पास एक्स क्रोमोसोम आया है पापा से, तो बच्चे का सेक्स क्या होगा? लड़का होगा, लड़की होगा, ट्विंस होंगे कि आप बता नहीं सकते? पापा से एक्स क्रोमोसोम आया, ठीक है। तो दीज टू क्वेश्चंस। बच्चा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं और डिटेल लेक्चर देखना है तो इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर इस चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ये मैंने क्रिस्प तरीके से रिवाइज कराया है, लेकिन इसमें हमने एनसीईआरटी की एक भी लाइन छोड़ी नहीं है। इनफैक्ट स्नेल वाला एग्जाम्पल जो कई सारी रिसोर्स बुक्स में नहीं होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया है कि स्नेल्स के जो प्रोजेनीज होती है वो बाद में से एक्सचेंज कर सकती है। सो दिस सेशन इज मोर देन एनफ फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बाकी फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर इट personally as soon as possible. So I'll see you next time. Till then, take care and bye bye and tata. And thank you so much for all the students who are watching it live. You make my day happy. Bye.